Now in this video we are going to continue our chapter from the previous video. In previous video we have studied about the disease causing microorganism in humans, in plants, in humans, and causes by the insects and other thing. Now we are talking about the organisms which causes disease in the animals and in plants. First we are talking about the disease causing microorganism in animals. In animals also, like cow, buffalo, birds and different animals, there are some type of bacteria and viruses are there which causes disease in them, like bacteria, anthrax, tuberculosis, fall, cholera and other more are the different type of organisms, bacteria, microorganism which causes the disease in cow, buffalo, poultry, birds, etc. And viruses are also there, cow pox and bird flu are different type of viruses which cause disease in animals. Other than that, in plants, when we talk about plants also, there are also different type of fungi, bacteria, virus, protozoa which causes disease in the plants, in different crops and different type of plants, like you table has been given in your page number 29 about the plant organism which causes disease in plants. Like the disease are rust of wheat, red rot, tikka, tobacco mosaic. These are the different type of diseases which are caused in plants by microorganisms, by different type of microorganisms like bacteria, fungi and other thing. Next is food poisoning. What is food poisoning? In food poisoning, when you eat the food which gets spoiled or which get contaminated because of the microorganisms, they may cause food poisoning in your body, in which your stomach get upset, diarrhea is there, vomiting can be caused there. So that there are different bacteria and fungi which cause this type of food poisoning in your food. अब क्या होता है कि जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि ह्यूमंस में किस तरीके के डिफरेंट एनिमल्स और इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरस ऐसे होते हैं जो एनिमल्स में और प्लांट्स में भी डिजीज करते हैं. लाइक एनिमल्स में आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स में डिजीजेस हो जाती है. बर्ड फ्लू के बारे में आपको बहुत बार सुना होगा कि कॉमन होता है ब्लड फ्लू के बारे में. वैसे काउ पॉक्स होते हैं. उसके अलावा प्लांट्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप की जो खेती की जाती है, क्रॉप्स जो होती हैं, उनमें भी बहुत टाइप के वायरसेस एंड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ही क्या किया जाता है, क्रॉप्स वगैरह में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारा फूड पॉइजनिंग होता है. फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि जब आप कभी ऐसे टाइप का खाना खा लेते हो जो 2-3 दिन से रखा हुआ है, या फिर मतलब आप बाहर का कोई ऐसी चीज़ लेके आ गए जिसमें किसी भी टाइप का बैक्टीरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, वो उसमें प्रेजेंट है, तो आप इस टाइप का फूड अगर खा लेते हो तो वो फूड क्या करता है, आपके स्टमक को अपसेट कर देता है, आपकी जो हेल्थ है उसको इफेक्ट डालता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस या फंजाई कुछ भी हो सकता है, जो कि ये क्या करते हैं, डायरिया कॉज कर देते हैं, वॉमिटिंग कॉज करते हैं, और इससे क्या है, बहुत ज़्यादा सिकनेस फील होती है. मोस्टली दे आर द बैक्टीरिया लाइक सेलमोनिलिया एंड द स्पैरगेलिस एंड एक्सेट्रा. देर आर अदर मोर, मेनी मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर देयर विच मे कॉज फूड पॉइजनिंग एंड फूड पॉइजनिंग. अदर देन दिस इज नेक्स्ट इज आर फूड प्रिजर्वेशन एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन मीन्स द फूड प्रिजर्वेशन करते हैं जब आप फूड को काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखते हो. अब हमें पता है कि हम फूड को अगर कुछ टाइम के लिए रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे कि हम फूड को प्रिजर्व कर सकें लंबे समय तक के लिए. जैसे कि फ्रीजिंग करके हम कोई भी खाना हमने बनाया, हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो वो हमारा नॉर्मली 1 से 2 डेज तक चल जाता है. तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस बोलते हैं. फ्रीजिंग प्रोसेस के बाद क्या होता है नेक्स्ट हमारा, जैसे कि हमने कर्ड, मिल्क, कुक्ड फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब क्या हमने लो टेम्परेचर में फ्रिज के अंदर रख दिया, तो ये फ्रीजिंग की वजह से बच जाता है. -70 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो होता है उसके नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल होना शुरू हो जाते हैं. After that we can use salt, sugar and oil. As you all know that our mother always put pickles so that pickles in which the sugar, salt, oil, vinegar are used so that the pickle may be stay healthy for the long terms
एज यू ऑल नो कि जब अचार गलाया जाता है घर में तो उस अचार में क्या करते हैं, सॉल्ट्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऑयल वगैरह डाले जाते हैं ताकि वो अचार लंबे टाइम तक चल सके। तो इसी तरीके से क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जैसे मीट फिश वगैरह यूज़ करने हैं तो उनके ऊपर सॉल्ट की लेयरिंग बना दी जाती है ताकि वो लंबे समय तक चलते हैं। एंड रो मैंगोस यूज़ किए जाते हैं, टर्मिट्स यूज़ किए जाते हैं, जैम को अगर हमें स्टोर करना है, जेली फ्रूट्स इन सबको हमें स्टोर करना है तो हम इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट इज़ हीटिंग, किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा हीट करके एक टेम्परेचर के बाद अगर हम उसको हीट करते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं। लाइक व्हेन वी ड्रिंक वाटर एवरी डे वी कैन बॉइल द वाटर टू क्लीन इट, प्योरीफाई इट, सो बाय हीटिंग वी कैन किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वाटर। आफ्टर दैट इज नेक्स्ट इज द पेस्टराइजेशन। इन पेस्टराइजेशन व्हाट हैपेंस इन द पेस्टराइजेशन, मिल्क इज हीटेड अबाउट द 65 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स टू 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट फॉलोड बाय द रैपिड कूलिंग टू बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। By this, the bacteria is present in the milk has been killed and this type of these are storable, can be stored for the long time. This standard, हमें पता है कि जो दूध होता है उसको काफ़ी टाइम तक अगर हमें स्टोर करना है तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है कि मिल्क को पहले 60 डिग्री सेल्सियस में एंड 72 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है, बॉयल किया जाता है और फिर 10 मिनट्स के लिए उसको कूल किया जाता है। इस तरीके से मिल्क को हम ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। आफ्टर दैट दैट इज कैनिंग, देर आर मैनी कैंस प्रेजेंट इन द लाइक यू कैन ईट जैम्स जेलीस वेजिटेबल फ्रूट जूस एक्सेट्रा विच हैव पुटेड इन द कैंस सो दैट इट मे बी ए टाइट कंटेनर सो दैट माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया डज नॉट एंटर इन दैट बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ एयर। ऐसा हम पता है कि हम घर में क्या करते हैं, एयर टाइट में अगर आपने देखो एयर टाइट में चीज़ें स्टोर करके रखी जाती हैं जैम्स वगैरह में, क्यों, ताकि एयर अगर उसके अंदर एंटर नहीं करेगी तो किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं करेगा। उसके बाद सन ड्राइंग होती है, सन ड्राइंग में क्या किया जाता है कि किसी भी फ्रूट को या वेजिटेबल्स को धूप में सुखाया जाता है, सन के अराउंड रखा जाता है, उसको ड्राई किया जाता है ताकि उसका अंदर का मॉइस्चर जो है वो फिनिश हो जाए और मॉइस्चर फिनिश होने के बाद हम उसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है वो केमिकल प्रिजर्वेशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं टू प्रिजर्व द फूड फॉर द लॉन्ग टर्म, लाइक दैट व्हेन वी ईट चिप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ चिप्स वेफर्स एंड अदर टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर थिंग्स इन विच द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोनेट सॉर्बिक एसिड सोडियम पोटेशियम सल्फेट दिस टाइप ऑफ डिफरेंट केमिकल्स आर पुट इनसाइड दिस एयर टाइट कंटेनर्स और अ पैक्ड फूड सो दैट इट मे रिमेन हेल्दी फॉर द लॉन्ग टर्म। आफ्टर दिस आर नेक्स्ट इज अ नाइट्रोजन साइकिल। इन नाइट्रोजन साइकिल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेन थ्री टाइप्स। वॉट इज अ नाइट्रोजन साइकिल, वेन नाइट्रोजन इज टेकन फ्रॉम द एटमोसफेयर देन द प्रोसेसिंग हैज़ बीन डन बाई प्लांट्स एंड एनिमल देन इट अगेन गिवन टू द एटमोसफेयर इज नोन एज द एटमोसफेयर साइकिल। देर आर मेनली फाइव स्टेप्स ऑफ एटमोसफेयर नाइट्रोजन साइकिल इन विच नाइट्रोजन फिक्सेशन हैज़ बीन डन, नाइट्रेट एसिमिलेशन एमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन हैव बी देर। ओके स्टूडेंट, द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज आर नाइट्रोजन साइकिल। इन नाइट्रोजन साइकिल फर्स्ट व्हाट हैज हैपेंड, इट नाइट्रोजन हैज बीन टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर देन दैट नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अ नाइट्रोजन फिक्सेशन हैज बीन डन बाय द प्लांट्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एनिमल देन नाइट्रोजन हैज बीन फिक्सन देन दैट नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अ नाइट्रेट दे फॉर्म द नाइट्रेट। In this atmospheric nitrogen, the bacteria, this conversion of this atmospheric nitrogen has been taken, this nitrogen has been converted into a nitrate. The process in which nitrogen is converted into nitrate is known as nitrogen fixation. And after this, next is the ammonification. In ammonification, the different plants and animals use that nitrogen which is fixed here, nitrate which is produced here, different animals and green plants, they form a nitrate assimilation by the processing of root system and other plants and other microorganisms are there, they convert that nitrate
from the soil, they produce that and they convert into a different form, and after that is ammonification, the nitrate which is extracted, which come from that like urea and uric acid and other plant and animal can die. Then the protein present in them convert them into a compound form by the purifying bacteria and fungi found in the soil, convert them into a ammonia form, that is known as ammonification. Next is the nitrification. When ammonia salt present in the soil, it is converted into nitrites formed by the nitrosomonas bacteria, and this nitrate is converted into nitrates by the nitrobacteria. Then this bacteria is, this process is known as nitrification. After that, this nitrates is then converted into by Pseudomonas bacteria to form nitrogen gas again and escape into the atmosphere. This conversion of nitrate from free nitrogen to the by the helping of the denitrification bacteria, it again come into this form. Nitrogen cycle में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से हमने नाइट्रोजन ले लिया, इसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के क्या कहते हैं नाइट्रोजन को हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं. जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है तो वो प्रोसेस हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस कहलाता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एनिमल जो कि मर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, या बहुत सारे जो ड्राई हो चुके हैं, डिके हो चुके हैं, उन पर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है. तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ क्या करती है कि इस नाइट्रेट को वो कन्वर्ट करती है हमारा दूसरे प्रोसेसिंग में, जिसको बाद में क्या किया जाता है कि जैसे जो भी हमारे डेड प्लांट एंड एनिमल वगैरह है उनमें से जो वेस्ट मटीरियल आया है, एक्सक्रेट हुआ है, वो यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है. तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, फंजाई ग्रो करते हैं, और उस नाइट्रेट को, उनके नाइट्रेट को किसमें कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं. तो जब नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसके लिए जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, वो इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम अमोनिफिकेशन कहते हैं. अमोनिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, इसमें अमोनिया में सॉल्ट्स पाए जाते हैं, इसके ऊपर नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया वर्क करते हैं और वो अमोनिया सॉल्ट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में, एंड दिस नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं अदर बैक्टीरिया जैसे नेक्ट्रोबैक्टीरिया. तो ये जो प्रोसेसिंग होती है नाइट्रिफिकेशन कहलाती है, जब इसमें दो बैक्टीरिया वर्क करते हैं, अमोनिया सॉल्ट को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रेट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रिफिकेशन. नेक्स्ट स्टेप आता है डीनाइट्रिफिकेशन. अब जब नाइट्रेट्स बन गया है तो उसको वापस बैक्टीरिया सुडोमोनास बैक्टीरिया को कन्वर्ट करता है और नाइट्रोजन गैस वापस बना देता है. तो नाइट्रोजन गैस जब बन जाती है तो वो डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है और वो गैस वापस किस में आ जाती है, हमारे एटमोसफेयर में आ जाती है. तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती रहती है. इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो चुका है. आपको पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रीड करना है. कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्लासरूम कमेंट बॉक्स में. क्वेश्चंस आंसर्स प्लीज़ एक बार ट्राई करें सॉल्व करने के लिए अपने खुद से. उसके बाद